All right, first of all, you understand the concept of the numericals and then you will manually solve it. When you will solve these numericals on the assignment sheets or test, you have to show all the steps. Go and sit with the Krishna. You have to show all the steps mathematically clearly. Don't cut short any step. ये मत करना कि रफ काम में कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर लगा दिया न्यूमेरिकल का. सारे स्टेप्स प्रॉपरली आपने शो करने हैं. एंड इन मैथमेटिक्स यू माइट हैव डन द टर्म बॉडमास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन. इन एक्सेल इन स्प्रेडशीट द कॉन्सेप्ट इज बेडमास, ब्रैकेट ऑफ एक्सपोनेंट डिवीजन मल्टीपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एक्सपोनेंट मीन्स पावर. पावर को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी, प्रायोरिटी. अगर आपके एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो बेडमास टेक्निक के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट विल गेट द हायर प्रायोरिटी. राइट, आई एम टाइपिंग टू इन सेल ए वन, 3 in cell A2, 4 in cell A3. Okay, first of all, please see the LCD. When I will tell you to do it manually, then you open your copies. Right now, just focus on the LCD and make sure on every PC, CalC is opened. The formula in cell A4 is A2. Exponent. This is the symbol of exponent. Arrow to the top. This is the symbol of exponent. Means power. 2 raised to power. Right? Am I clear to all? 2 plus A3 divided by 2 plus A4. Let it be A4 only. Right? अब ये हमारा फॉर्मूला है सेल A4 में. अब हमने करना क्या है, हमने जब इसको मैन्युअली सॉल्व करना है, वी आर टू रिप्लेस द सेल एड्रेस विद द वैल्यूज. वी आर टू रिप्लेस ऑल द सेल एड्रेसेस विद द गिवन वैल्यूज. तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा हमारा, 2 एक्सपोनेंट 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 4. सेल एड्रेसेस को उनकी वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर देना. देन यू स्टार्ट सॉल्विंग एंड देन गिव द आंसर. ये मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं. लेट अस डू इट प्रैक्टिकली नाउ. 2 raised to power 2, अब पहले सॉल्व होगा एक्सपोनेंट. सॉरी, यहां मुझे A1 करना था. A1, A2 एंड A3. A1 to power 2. What is A1? 2. 2 raised to power 2? 4. 4 plus A2 divided by 2. 1.5 plus 4. Divide karte vakt. Sun lo ye point. Divide karte vakt. Agar answer points mein aa raha hai. Jaise abhi to 1.5 mein khatam ho gaya. Maan lo calculation hai. 7 divided by 3, 2 point something. तो पॉइंट के बाद टेक आंसर टिल 2 digits. यू गॉट माई पॉइंट? अगर आपको लग रहा है कि डिवीजन काफी बड़ी जा रही है, जैसे आंसर है 2.66677 something, पॉइंट के बाद टेक 2 digits. 2.66, डोंट राउंड ऑफ. राउंड ऑफ बिल्कुल नहीं करना. अगर आपका आंसर टोटल आंसर 1.99 आ रहा है, डोंट मेक इट 2, मेक इट 1.99 ओनली. राउंड ऑफ अवॉइड करना है आपने. राइट, सॉल्व दिस न्यूमेरिकल नाउ. यू कैन डू इट मैन्युअली इन योर नोटबुक्स. रेफर टू सेल A5, इक्वल टू A5 डिवाइड बाय 2 प्लस A6 power 3
प्लस ए सेवन पावर टू प्लस ए एट मल्टीप्लाई टू फाइव सिक्स सेवन एट यर वी हैव फोर ए फाइव में टाइप करो फोर ठीक है ए सिक्स में टाइप करिए फाइव ए सेवन में सिक्स ए एट में सेवन फोर फाइव सिक्स सेवन नाउ दिस फॉर्मूला इक्वल टू टाइप इन ए नाइन टाइप द फॉर्मूला इन ए नाइन इक्वल टू ए फाइव डिवाइड बाय टू प्लस ए सिक्स आई राइट द फॉर्मूला हेयर ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑल्सो स्टार्ट सॉल्विंग इट मैनुअली डोंट गिव अब्रप्ट आंसर्स लाइक दिस ओनली रेज योर हैंड आफ्टर सॉल्विंग इट एक्सेल पे किया था मैनुअली किया Hurry up, I'm giving you time of 1 minute. Solve it. But all of you, please set your mask properly. How many have done 9th? Arshita, Rajvinder. नवनीत कानेश मान्या कॉपी यहां रख दो असाइनमेंट वाली ओके राजेंद्र व्हाट इज योर आंसर 177 हाउ मेनी कंपैटिबल विद राजविंदर लेट अस सी व्हाट सॉफ्टवेयर टेल्स 177. How it has come? What we have done? A5 को replace किया 4 से. Sorry, A5 पे 4 है ना? 4 divided by 2 plus 5 power 3 plus 7 power 2. Sorry, 6 power 2 plus 7 into 2. It is 2 plus 125 plus 36 plus 14. It comes out to 177. I hope easy numericals. बस थोड़ा सा concentration की जरूरत है. Power निकालते वक्त ध्यान रखना. ये bed mask. Spreadsheet में bed mask technique चल रही है. क्योंकि हमने exponent पहले रखा है priority पे. Be very careful while taking out the power, especially when the value is bit bigger. Now I increase the value. Which dialog box is available right now? Delete content dialog box. Okay. Formula in A5 is A1 colon 2 plus A2 divided by 3 plus A3 into 3 into 30 करो A1 power 2 plus A2 divided by 3 plus A3 into 30 बी केयरफुल हंड्रेड्स में वैल्यू है गुरुपाल अर्शदीप गरिमा नो रिस्पॉन्स कमिंग फ्रॉम योर साइड आर यू प्रेजेंट इन द लेक्चर थ्री ऑफ यू डोंट प्रेस द की सो हार्ड जेंटली प्रेस द की ए वन इज हंड्रेड टू द पावर टू व्हाट इज हंड्रेड टू पावर टू 10,000 प्लस 120 डिवाइड बाय 3 40
plus 300 into 30, 9,000. So it comes out to 19,040. How many compatible? Okay, see here. 19,040. ठीक है? All of you see here. मैंने कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस की और ये डायलॉग बॉक्स आया. कंट्रोल एंड प्लस सिंबल. प्लस सिंबल यू कैन गेट ऑन द न्यूमेरिक कीपैड एंटर की से पहले. विच डायलॉग बॉक्स? एक बार सीबीएसई ने क्या क्वेश्चंस दिए थे? कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया था, फॉलोइंग आर द शॉर्टकट कीज, एज अ कंप्यूटर एक्सपर्ट स्पेसिफाई द रोल ऑफ दीज शॉर्टकट कीज. कंट्रोल प्लस प्लस सिंबल. तो कंट्रोल और प्लस को दबाओ तो इंसर्ट सेल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. ओके, कंट्रोल माइनस डिलीट सेल्स डायलॉग बॉक्स. डिलीट सेल्स डायलॉग बॉक्स. क्लियर? ऑल राइट. ई कोड, नॉट ई कोड, आई गो विथ द आईडी. आइटम बेसिक कॉस्ट देन यू कैन ऐड हेयर रेट पर यूनिट मेक इट क्वांटिटी. रेट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, डिस्काउंट, नेट कॉस्ट. ऑल ऑफ यू सी हियर व्हाट आई एक्सपेक्ट इन द आईटी रिपोर्ट फाइल, द फर्स्ट फाइल ऑफ टर्म टू. आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये आपके लेबल्स हैं जो मैंने प्रॉपर मैनुअली सारी इंस्ट्रक्शन लिख के आपको पीडीएफ भेजा हुआ है. ये सारी लेबल्स टाइप इन कैपिटल्स, मेक देम सेंट्रली अलाइंड, मेक देम अपेयर बोल्ड. ओके, एंड एक्सपैंड द कॉलम विड्थ सो दैट द लेबल गेट्स प्रॉपरली एडजस्टेड इन योर सेल. ये मत करना कि लेबल बड़ा है कॉलम छोटा हो गया तुम्हारा, ऐसे कि वो आधा नजर आ रहा है आधा नजर नहीं आ रहा. एक्सपैंड द कॉलम विड्थ बट डोंट एक्सपैंड इट सो मच कि वो बिल्कुल बहुत बड़ा लगे. अब इसके ऊपर आपने एक और चीज करनी है. नाइन्थ क्लास, पहले मैं समझा लूं, पहले एलसीडी तो देख लो. अनलेस एंड अंटिल यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट व्हाट यू विल डू. रो वन के हेडर पे क्लिक करना है और इंसर्ट रोज में जाना है. इफ यू वॉन्ट टू इंसर्ट एक्स्ट्रा रोज, क्लिक ऑन द रो नंबर एंड अ शॉर्टकट मेनू विल अपीयर, चूज इंसर्ट रोज ऑप्शन. ये आ गई. ये सारे सेल्स को सिलेक्ट करना है. राइट, यू विल हैव वन बटन हेयर, मर्ज सेल्स. इसको क्लिक करना है. All the cells will get merged, similar to the merging we did in tables in Writer. Here, type the heading shopping bill. और थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ drag कर लो. ऐसे, ये row की height है.
रो की हाइट होती है, कॉलम की विड्थ होती है। अब इसको सिलेक्ट किया राइट, एंड यू कैन अप्लाई द शेडिंग राइट लाइक दिस, देन यू कैन अप्लाई द बॉर्डर्स प्रॉपरली। बॉर्डर्स सेल्स को सिलेक्ट किया, ये बॉर्डर बटन में गए, ऑल बॉर्डर्स ये देखो जस्ट टाइपिंग द वर्कशीट इज नॉट द फुल कवरेज ऑफ द आईटी फाइल, प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स, हाउ यू हैव प्रेजेंटेड योर वर्कशीट राइट। अब मैं यहां पे ले रहा हूं आईडी वन, आइटम आई एम टेकिंग सोप, क्वांटिटी आई एम टेकिंग 100, रेट पर यूनिट इज 40, देन आई एम टेकिंग नंबर टू शैंपू, क्वांटिटी 30, रेट पर यूनिट इज 120, देन आई एम टेकिंग थर्ड इज बैग्स, क्वांटिटी 20, रेट पर यूनिट इज 200, देन आई एम टेकिंग मोबाइल्स, क्वांटिटी 10, रेट पर यूनिट इज 2000। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं वर्कशीट की। फॉर्मूलास आपको बनाने आने चाहिए, इफ यू आर गुड इनफ टू मेक द फॉर्मूलास और फंक्शंस, यू आर एक्सपर्ट इन कैलसी। विल यू स्टॉप डिस्टर्बिंग द लेक्चर। मैथमेटिकली अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी हो तो वी मल्टीप्लाई डैश इनटू डैश, क्वांटिटी इनटू रेट पर यूनिट। यू माइट हैव डन यूनिटरी मेथड इन मैथ्स इन द लोअर क्लासेस। एक पेंसिल 5 रुपए की है, 10 कितने की होंगी, 50, 10 into 5। एक सोप 40 रुपए का है तो 100 सोप कितने के होंगे। नाउ हेयर ईदर यू मेक द फॉर्मूला और यू मेक द फंक्शन, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, इक्वल टू C3 इंटू D3, विच रेफरेंस इज दिस, रिलेटिव। अब मुझे याद आया रेफरेंस के नाम से, धन्य आपकी असाइनमेंट्स और धन्य हो आप लोग। मैंने एक क्वेश्चन देके गलती कर ली, एग्जांपल्स ऑफ रेफरेंसिंग। पहली बात तो कॉपी किया आंसर सबका, एवरी चाइल्ड इज राइटिंग डेफिनेशन ऑफ रेफरेंसिंग। व्हाई डिड आई आस्क, रिलेटिव रेफरेंसिंग, नेम एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल दे दो, C6 A10 B10 एनी सेल, एब्सोल्यूट में डॉलर कॉलम से पहले भी आता है, रो से पहले भी आता है। थर्ड इज मिक्स्ड, मिक्स्ड में यू हैव टू गिव टू एग्जांपल्स, ईदर डॉलर बिफोर द कॉलम, ईदर डॉलर बिफोर द रो। ये मैंने पूछा था आपसे, जो आपने इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाषण लिखे हुए हैं। That is why I always say stop copying the notes from your friend. Your friend may be wrong, but you have blind faith on your friend. और अगर ऐसे assignments में number कटते रहे तो out of 5 क्या number लगेंगे तुम्हारे? Okay, one more conceptual question. Formula in cell E3 is equal to C3 into D3. What will be the new formula when this formula is copied to cell E5? Galat. Wrong. Equal to C5 into D5. Every formula or function starts with equal to sign. अच्छा अब देखता हूं जरा,
formula in cell C3 is equal to C3 into $D$3. And formula is copied to E5. Equal to C5 into $D$3. जहां पे डॉलर लग गया वो तो फिक्स्ड हो गया. 4000 ऑटोफिल करके ड्रैग कर लो. अब ये मेरा मेन कॉलम है, इसकी भी शेडिंग करो और इसको बोल्ड करो एज कंपेयर टू अदर डाटा, मेक इट इटैलिक. जहां कैलकुलेशन, जहां रिजल्ट आ रहे हैं कैलकुलेशंस के, उस कॉलम को थोड़ा डिफर करो बाकी कॉलम्स के साथ. 15 मार्क्स की आईटी फाइल है, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. एंड मंडे इज द लास्ट डे टू सबमिट, 15 नवंबर, फर्स्ट एंड द लास्ट डेट. नाउ कंडीशन फॉर डिस्काउंट, फॉर्मूला आप बताओगे मैं नहीं बताऊंगा. इफ टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम is more than 5000, discount is 20% of the total cost, otherwise discount is 5% of total cost. If total cost of item is more than 5000, discount is 10% of the total cost, otherwise discount is 5% of total cost. Only one hand is raised. Who will tell? 10% risk. Japji ka bhi haath niche hai aaj. Janvi, Navnoor, Manviya, all hands are down. Means they are not studying now these days. Only Anshya hand was up. Yes, Anshya, you tell. Equal to if E3 greater than 5000, semicolon, 0.10, 10% हो गया ना, 0.10 इंटू E3 सेमीकोलन 0.5% इंटू E3, तो डिस्काउंट इज 200 एंड कैलकुलेट फॉर द अदर्स, वी गेट नेट कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट. फॉर्मूला E3 माइनस F3, यहां क्या बनेगा फॉर्मूला नेक्स्ट सेल में, व्हाट विल बी द फॉर्मूला इन द नेक्स्ट सेल, E4 माइनस F4 नेक्स्ट. अब ये मेरा लास्ट कॉलम है, तो सिलेक्ट दिस कॉलम, मेक इट बोल्ड इटैलिक और इसको भी थोड़ी शेडिंग दे दो. ठीक है, राइट, एम आई क्लियर विद एंटायर लेक्चर?